शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल रहा है। एक तरफ जहां दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में धूप खिलने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में शीतलहर और कोहरे के कारण ठंड जारी है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली में लोगों को बदलते मौसम के कारण हो रही परेशानी से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि आने वाले सप्ताह के अंत तक मौसम में कोई बदलाव नहीं आएगा। हालांकि अगले सप्ताह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की वजह से सर्दी से राहत मिलेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में आने वाले 14 फरवरी तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि 15 फरवरी को एक बार फिर बर्फबारी हो सकती है और ठंड बढ़ा सकती है। हिमाचल में पिछले कुछ दिनों से हो रहे लगातार बर्फबारी ने कई क्षेत्रों में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में बिहार में भी लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलेगी। बिहार में आज धूप खिलेगी। आज बिहार में अधिकतम तापमान 20 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में लोगों को धूप देखने को मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने यहां 4% बारिश होने का भी अनुमान लगाया है। यूपी में आज अधिकतम तापमान 21 तो वहीं न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसे बात करें अगर बंगाल की, तब बंगाल के कई जिलों में तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। राज्य के कई जिलों में सर्दी के मौसम के दौरान बीते दिनों बारिश देखने को मिली, वहीं अब मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य में आज तेज धूप खिलेगी तो वहीं हवा चलने के कारण ठंड भी बरकरार रहेगी। की रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।